भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। सियाना कोतवाली परिसर में एसपी सिटी ने की शांति समिति की बैठक। कस्बे के संभ्रांत लोग रहे मौजूद। बता दें कि मामला सियाना कोतवाली परिसर का है, जहां आज बुलंदशहर से आए एसपी सिटी सुरेनाथ तिवारी ने होली त्यौहार के चलते सियाना कोतवाली परिसर में कस्बे के व्यापारी और संभ्रांत लोगों के साथ एक मीटिंग आयोजित की। एसपी सिटी सुरेनाथ तिवारी ने कहा कि सभी लोग शांति प्रिय ढंग से मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाए। गांव देहात में यदि कोई घटना घटती होती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। कोई झगड़ा इत्यादि ना करे। यदि किसी ने कहीं पर भी शांति व्यवस्था बिगाड़ी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसपी सिटी सुरेन्द्र तिवारी, एडिशनल एसपी अलका सिंह, सियाना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित कस्बे के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रईस मलिक जी। आज एक मीटिंग हुई है थाना प्रांगण में, तो क्या बताया गया? आज थाना प्रांगण में होली और संक्रांत को लेके एक मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें एसपी सिटी साहब आए, सीओ साहब आए, एसडीएम महोदय साहब आए और इंस्पेक्टर साहब रहे। होली को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए, लोगों की समस्या सुनी कि कहाँ कहाँ होली से संबंधित क्या क्या परेशानियाँ हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने यहाँ बताया कि एक तो सियाना में होली चौराहा है, वहाँ पर होली फूकती है तो उस पर तारों की एक दिक्कत रहती है और तारों की समस्या हल कराई जावे। और इस तरीके से मटकी पार्क के पास में होली दहन होती है तो वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसका ध्यान रखा जावे। अधिकारियों ने उसका पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान रखा जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे दारू पी के स्टैंडबाजी करते हैं उन सब पर ध्यान रखा जाएगा। इसी को लेकर ये आज मीटिंग हुई है और अधिकारियों ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इस पर आप पूरी सफलता के साथ इस पर काम किया जाएगा। सर, थाना प्रांगण में आज मीटिंग ली गई है और भी अधिकारी मौजूद थे, पूरे शहर के सभी मौजूदा लोगों को बुलवाया गया, तो क्या बताया? ये आगामी होली त्यौहार के मद्देनज़र आज यहाँ पर शांत समिति की बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी और हमारे एसपी जो सीओ साहब हैं वो थी और यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति लोग थे। सभी लोगों से इस पर डिस्कस हुआ कि होली के संदर्भ में कोई समस्या कहीं पर हो तो उससे अवगत कराएं। तो जो बातों के से आदान प्रदान हुआ उसमें कोई ऐसी समस्या, गंभीर समस्या नहीं बताई गई। छोटी मोटी समस्याएं जो थी उनको जिलाधिकारी और सीओ साहब जो है उनको अटेंड करेंगे, दिखवाएंगे और उसका निदान कराया जाएगा। इसके अलावा जो और यहाँ पर गैस और टिकट की व्यवस्था उसके संदर्भ में वार्ता की गई उनसे और उनको आश्वस्त किया गया कि उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी शीघ्र। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।